तो ये देखिए गाइस, ये गांव, यहाँ पे तो तकरीबन 2-3 घर है, कोई ऊपर है, कोई उधर है, कोई और ऊपर है पहाड़ों पे, कोई उस साइड है। ये देख लीजिए गाइस। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं सुबह के 8 बज चुके हैं, तो मैं गाइस मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था। अभी मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था तो चलते चलते मैं अभी तकरीबन 1 घंटा चल चुका हूँ, तो मैं थानों वाली रोड में चल रहा हूँ, रायपुर से थानों की तरफ। तो ऐसे ही मैंने सोचा कहाँ तक पहुँच सकता हूँ, कोई मंजिल नहीं है, बट मज़ा आ रहा है चल रहा है मॉर्निंग वॉक करने में। अभी मेरा अभी मैं ये प्लेन एरिया में खड़ा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा ऊपर, मैं सोच रहा हूँ पहाड़ी एरिया में थोड़ा जाऊँ ऊपर वाले एरिया में, तो वहाँ पे चल चल के जाने में कितना टाइम लगता है वैसे जाने की सोच रहा था, तो मैंने कहा चल देता हूँ, मज़ा आने वाला है, हमारे साथ बने रहेगा, आगे 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 और अच्छे व्यू दिखाऊंगा मैं आपको। अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, स्टार्ट तो क्या किया है, मॉर्निंग से करीब तकरीबन 1 घंटा हो चुका है मैं चले जा रहा हूँ। मैंने सोचा कि मेरा वीडियो भी बनाया जाए, तो आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। अभी मैं बहुत टोटली जंगल में खड़ा हूँ, चारों तरफ जंगल है, जंगल के बीचों बीच में चल रहा हूँ, बाकी गाड़ियाँ आ रही है, गाड़ियाँ जा रही है। चलिए आप कुछ चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं बढ़िया बढ़िया व्यू। आगे आगे थोड़ा खेत वेत भी मिलेंगे, पहाड़ मिलेंगे। ये देखिए गाय, यहाँ पे गाय वगैरह बैल वगैरह चल रही है, घास खा रही है। ये देखिए पूरा एरिया, ये पूरा जंगल है। इस साइड देखोगे तो आप पूरा जंगल नज़र आएगा। बस यहाँ पे शेर नहीं है इसलिए मैं चल रहा हूँ। तो गाइस, चलते चलते मैं पहुँच चुका हूँ राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है ये, जो देहरादून में एक ही जो स्टेडियम है उत्तराखंड में पूरे। ये देखिए, मैं आपको थोड़ा इसका व्यू दिखा देता हूँ। ये देखिए गाइस, चारों तरफ जंगली जंगल है, बीच में स्टेडियम बना हुआ है। देखिए गाइस, ये देखिए साफ सुथरी रोड, इधर जंगल, उधर भी जंगल, ये बीच में रोड जा रही है, ये सामने है स्टेडियम, राजीव गांधी स्टेडियम है। यहाँ पे बहुत सारे मैचेस होते हैं, अभी कुछ ही टाइम पहले हुए थे, जो रिटायर क्रिकेटर होते हैं सचिन वचिन के, सबके मैचेस हुए थे, मतलब ऑस्ट्रेलिया जैसे इंडिया अलग अलग देशों के, जो रिटायर क्रिकेटर होते हैं उनके मैचेस यहाँ पर ज़्यादा होते हैं वैसे तो बहुत। तो गाइज, मैं दूर से आपको स्टेडियम दिखा देता हूँ, क्योंकि मुझे अभी आगे की ओर बढ़ना है। ये देखिए दूर से स्टेडियम देख लीजिए आप, यहाँ पे स्टेडियम है, जो उत्तराखंड का स्टेडियम है, देहरादून में है जो स्टेडियम, राजीव गांधी स्टेडियम। तो अभी हम वापस चलते हैं अभी मंजिल की ओर, अभी मंजिल बहुत दूर है, अभी बहुत चलना है मुझे, आप भी हमारे साथ बने रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। तो गाइज, हम चलते चलते पहुंच चुके हैं एक बहुत बड़े पुल के नज़दीक। ये देखिए गाइज, ये पुल है, ये एक टाइम में जब देहरादून में बहुत बरसात आई थी अभी जस्ट 2-3 महीने पहले, तो ये पुल टूट चुका था। यहाँ ये पुल पूरा का पूरा आगे से पूरा आधा टूट गया था नीचे से, तो एक बाइक वाला गिर के बह भी गया था। तो ये अभी तो खाली पड़ा हुआ, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस देखिए, ये पूरा अभी खाली पड़ा हुआ है, लेकिन बरसात के टाइम में फुल हो जाता है ये, बहुत बड़ी नदी बन जाती है, अभी बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। ये देखिए, ये सामने पहाड़ है, बरसात के टाइम में फुल हो जाता है, तो उसी बरसात के टाइम इतना फुल हो गया था कि ये पूरा आधा पुल टूट गया था, मतलब बीच में से पुल टूट गया था। जो लोग ऋषिकेश जाते थे उनका रास्ता बंद हो गया था, जो अपने गांव थानों जाते थे उनका रास्ता भी बंद हो गया था। अभी बनकर रेडी हो चुका है, ये देखिए बिल्कुल पेंट करा हुआ है, नया नया लग रहा है। देखिए यहाँ से पहाड़ों का व्यू देखिए गाइस, बहुत बढ़िया व्यू दिख रहा है, ये पूरा जंगल इस साइड, ऊपर के साइड पहाड़ है। ये देखिए, तो गाइस बरसात के टाइम तो ये पूरा पुल टूट गया था आधा हिस्सों में, उस टाइम बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, आपदा आई थी। तो अभी देखिए ये
पूरा अभी ये बांध बन के रेडी हो रहे हैं धीरे धीरे, अगली बरसात के टाइम ऐसा होना जो इससे पहले भी थे। इधर इधर बन गए, उस साइड भी बदले हुए देखते हो, पूरा अभी खाली पड़ा लेकिन बरसात के टाइम फुल हो जाता है। देखिए पहाड़ों की व्यू देखिए गाइस, बहुत मज़ा आएगा आपको। तो गाइस इस जंगल में मैं अकेला चले जा रहा हूँ, मंजिल मिली नहीं है क्योंकि यहाँ पे देखो कोई ऐसे अकेला बंदा चल नहीं रहा, खाली अपनी स्कूटी में आना। जंगल है ना चारों तरफ, कोई आसपास कोई गांव भी नहीं है, लेकिन कुछ एडवेंचर नया करने कुछ अलग ही मज़ा है। तो मैं ऐसे चले जा रहा हूँ, देखो अभी गाय आई। तो अभी थोड़ा सा और दूर है, मैं पहाड़ पर टच करके आऊँगा वापस, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो गाइस रायपुर से तकरीबन 1.5 घंटा चलने के बाद, लगभग 5 किलोमीटर चलने के बाद मुझे एक गांव दिखा छोटा सा, ये देखिए पीछे गांव है, इधर भी घर बने हुए। तकरीबन 5 किलोमीटर चलने के बाद एक गांव दिखा, मतलब रायपुर से थानों की तरफ जाते हुए अगर हम जाएंगे तो 5 किलोमीटर एक गाँव आएगा, इससे पहले कोई बीच में कुछ भी नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पे क्यों पीछे का डैम ऐसे ही है, नदी खाली नदी वाला, इस साइड गांव बसा हुआ है। ये देखिए पीछे पहाड़ है, इधर भी गांव बसा हुआ है। चलिए आगे की ओर चलते हैं, और भी लंबा सफ़र तय करना है, बहुत मज़ा आने वाला है, बने रहिएगा। अब तो गाइस ये देखिए ये छोटा सा गाँव है, आगे सामने पहाड़ी है, खेत है, पहाड़ देखिए आप। तो इस गांव का नाम गाइस ये है सोंडा सरोली। तो ये सोंडा सरोली गांव है गाइस, सामने पहाड़ है। चलते जा रहा हूँ, बस मज़ा आ रहा है, देखते कहाँ तक पहुँचते, कुछ और टाइम चलूँगा उसके बाद वापस आऊँगा। ये देखिए गाइस क्या ब्यूटीफुल व्यू है ना पहाड़ों के, कितने शांति से रह रहे लोग शहरों से दूर। चलिए तो गाइस मैंने पहाड़ों पे चढ़ाई स्टार्ट कर दी है, मैं पहाड़ बस ये चढ़ने वाला हूँ, थोड़ा सा और दूर है। ये देखिए पीछे का नज़ारा, पीछे एक रेस्टोरेंट टाइप में, साइड में एक छोटा सा गांव है। देखिए गाइस अब हम जा रहे हैं थोड़ा पहाड़ के ऊपर चढ़ लेते हैं। मॉर्निंग वॉक हो रही है भाई, मॉर्निंग वॉक, लगभग मॉर्निंग 7 बजे से चल रहा हूँ, 9:30 बजे पर 2.5 घंटे मेरे को चलते चलते हो गए। पहले अपने रायपुर में मॉर्निंग वॉक करा था, उसके बाद 1.5 घंटे मुझे रायपुर से ये इस रास्ते हो गए, लंबा सफ़र है। ये मज़ा आ रहा है गाइस, कभी कभी कुछ न्यू एडवेंचर करना चाहिए। अब देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं, बढ़िया मज़ा आ रहा है, लेकिन गांव देखने में ना हरियाली है बिल्कुल। अभी मैं दिखाता हूँ आपको ना, जाओ जूम करके आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये देखिए गाइस ये गांव, यहाँ पे तो तकरीबन 2-3 घर है, कोई ऊपर है कोई उधर है, कोई और ऊपर है पहाड़ों पे, कोई उस साइड है। ये देख लीजिए गाइस बिल्कुल शांति और आराम से रह रहे हैं ये लोग, बहुत बढ़िया नज़ारा है। तो ये देखिए हम पहाड़ों के रोड पर चढ़ चुके हैं, मैं थोड़ा ऊपर जाऊँगा उसके बाद घूमते घूमते फिर नीचे आऊँगा, आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्या पड़ता आगे जाके आपको और अच्छे व्यू नहीं मिले। चलिए चलते हैं। हाँ भाई पहाड़ों में चढ़ते हुए फिर जंगल आ गया, घना जंगल। देखिए सामने पहाड़, बीच में रेस रोड में चल रहा है, कोई नहीं, बिल्कुल शांत और जंगल आ गया भाई। अब वापस आने में पड़ेगा लग रहा है, तभी थोड़ा आगे जाके देखता हूँ कुछ नया कुछ मिले। भाई साहब
भाई साहब इन पहाड़ों में ऐसा लग रहा है कुछ मिले ना मिले बाघ जरूर मिलेगा। पूरा घना जंगल है भाई, बीच में रोड, लोग आते जाते रहते हैं। तब भी मैंने सोचा क्यों ना आगे जाया जाए, थोड़ा सा आगे जाके फिर आते वापस। तो ये देखिए गाइस, घने जंगल, इधर भी जंगल, ऊपर भी जंगल, पहाड़ों में जंगल, चारों तरफ जंगल जंगल, बीच में मैं अकेला पैदल चल रहा हूँ। मज़ा आ रहा है, लेकिन ठंड बहुत हो गई है, ठंड बहुत है, कुछ पहन के भी नहीं आया मैं। तो मॉर्निंग वॉक पर निकला हुआ था, लेकिन यहाँ पे तो ज़्यादा ही ठंड है, वापस जाना पड़ेगा। बाघ वाग शेर वेर नहीं है यहाँ पे, ये भी खतरा भाई। हाँ, और तो क्या है, बिल्कुल सुनसान ही जंगल, तो आस पास कुछ है भी नहीं। कोई गांव का रास्ता ही हो गए और क्या हो सकता है, है? गाइस ये देखिए अखंड वाली भिलंग, 7 किलोमीटर है, मतलब एक कोई गांव है वो 7 किलोमीटर है, उससे पहले कुछ है ही नहीं, यहाँ जाने में कुछ फ़ायदा ही नहीं है। भाई साहब आगे तक तो कुछ भी नहीं मिला, तो मैंने सोचा चलो वापस से चल लिया जाए, बहुत चल लिया, ठंड भी बहुत है, आगे सुनसान गांव, कुछ देख भी नहीं रहा। ठीक है तो चलिए चलते हैं। कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं, पूरा जंगल है, चारों तरफ जंगल है, देखिए आसपास कुछ भी नहीं है जंगल के अलावा। चलिए फिर गाइस चलते हैं वापस। तो गाइज इस ब्लॉग को मैं करता हूँ यहीं पे एंड। बहुत टाइम हो चुका है, तकरीबन 10:15 बज चुके हैं, अब मैं भी घर की तरफ जाता हूँ, नाश्ता भी करना है, भूख लग रही है। तो 7 बजे से मैं चल रहा हूँ, 7 बजे से 10 बजे, 3 घंटे में मैंने मॉर्निंग वॉक कर ली 3 घंटे तक। तो अभी बहुत टाइम भी हो गया है, तो अभी हम घर चलते घर, तो आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप बने रहिएगा अपने घर पे, सुखी रहिएगा, मस्त रहिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।